सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। एसबीआई 3 हफ्ते में जानकारी देगी, उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। तो आइए जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या है और इसका असर क्या होगा। चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, यानी कि आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। चुनाव आयोग को भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगा। जबकि कोर्ट ने कहा कि कालाधन रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं, जो चुनावी बॉन्ड इन कैश नहीं हुए वो वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है वे पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इन कैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं इन कैश नहीं कराए गए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की राशि खरीदने के खाते में वापस करनी होगी। चुनावी बॉन्ड जमा करने को लेकर देश भर में एसबीआई की अधिकृत कुल 29 ब्रांच है, जहां पर कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दलों को फंड दे सकता है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने का तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है, यानी अब इस योजना पर ब्रेक लग गया है। इससे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आम चुनाव करीब है और पार्टियों को चुनावी चंदे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है? 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आया गया था। चुनाव बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, कारोबार, कॉरपोरेशन चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया है, यही बैंक धन जारी करता है। एसबीआई के अधिकृत बॉन्ड से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई है। 1,000, 10,000 और 1,10,000 और 1 करोड़ मूल्य के बॉन्ड खरीद सकते हैं। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने से 15 दिन के भीतर इनकैश करना होगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जा सकती। इस पर दानकर्ता गोपनीय हो जाता है। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं है। जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीदा जाना था और वो पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टियों को मुहैया करा दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। चुनावी बॉन्ड में किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते में इसे बनाया जा सकता था। बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता थी। अगर पार्टी इससे विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी कि रद्द हो सकता है। लेकिन अब राजनीतिक दल की मुश्किलें कम हो रही है, क्योंकि अब इस पर लगातार कोर्ट जो है वो जानकारी मांग रहा है, यानी कि जो चुनावी बॉन्ड है वो पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो चाहे वो इन कैश का पूरा ये मामला हो।